नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, मतलब कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39, ये एक एपी दे रखी है और इसमें आगे फर्दर जाके 639 दे रखे हैं। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसमें ये कौन सी टर्म है। तो ए इज इक्वल टू गई ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले तो हम लिख दें ऑन कंपेयरिंग द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाय इट्स जनरल फॉर्म। तो ए आ जाएगा आपका 3, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 12, यानी 15 माइनस 3, ठीक है। और लेट एन टर्म ये है, तो एन टर्म कितने दे रखी है, तो बाय यूजिंग ए एन टर्म फॉर्मूला, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हो गई 639 प्लस ए की वैल्यू हो गई 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 639 प्लस इज इक्वल टू 3, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 12n इज इक्वल टू आ जाएगा 648, या 12n या और लिख के ये मल्टीप्लाई में 12, तो वहाँ जाके आफ्टर इक्वेशन आफ्टर इक्वल ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 54। तो कौन सी टर्म हो गई, 54, ओके।